हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी डोस्टर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, एक एक चीज़ पे गौर करना है। आज की इस वीडियो में हम मेरिट कैलकुलेशन की बात करेंगे कि आप लोग अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आप लोगों को मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे चंद एक बातें करनी हैं, बातें भी कर लेनी चाहिए, तो आपने मेरी इन बातों को गौर से सुनना है। दोस्तों देखें, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने कॉलेज भी जाना होता है, तकरीबन हॉस्पिटल जाना होता है, तकरीबन 3 बजे वापस आता हूँ, फिर मेस करने जाना होता है, फिर आता हूँ। अभी तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और 5 बज रहे, और इसके बाद अगर मैं सो जाऊँ तो फिर 7 हो जाते हैं, उठते हुए फिर बच्चों के मैसेज के रिस्पॉन्स करने हैं, फिर रात का खाना खाना, टाइम ऐसा गुजर जाता है। मैंने पढ़ना भी होता है भाई, 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट, हर रोज़ पेपर हो रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें। दोस्तों देखें, मुझे ना कोई मसला नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, अभी देखें अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, फिर भी 30 से 40 स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, मैं उन्हें रिस्पांस कर रहा हूँ। मगर ऑफिशियल एमटी कैट के रिजल्ट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन हो, फिर दिन में मुझे 200 मैसेज आते हैं, 300 मैसेज आते हैं, फिर आप लोग खुद बताएं मैं कैसे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को रिस्पांस करूंगा। तो फिर इसलिए मैं हर स्टूडेंट को रिस्पांस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सबसे माजरत कर रहा हूं। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं उनसे तो भाई हमने पैसे लिए हैं, अब उन्हें भी हमने रिस्पॉन्स करना है। वो DM भी करते हैं, कोई कहते हैं मेरी माँ से बात करें, किसी के फादर की कॉल आ रही है। अब दोस्तों देखें, मैं कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्स करने के लिए, मगर इसका ओनली सोल्यूशन जो है ना वो ये है कि आप लोग देखें, मेरा टाइम भी बचाएं, अपनी चीज़ें भी देखें, और उसका सोल्यूशन यही है कि जो स्टूडेंट्स इंस्टा पे मैसेज करते हैं मैं कोशिश करूँगा उन्हें जवाब दूंगा, मगर जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए ओनली सोल्यूशन ये है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोग मुझे DM करेंगे, जो भी करेंगे, फिर मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं आप लोगों को रिस्पांस दूंगा। अब देखें, चंद स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, इंस्टा पे जाते हैं, कहते हैं कि हमने आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जब मैं नंबर शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आते, फिर नंबर पर मुझे कॉल्स करते हैं, DM करते हैं। अभी देखें मेरा ना थोड़ा सा ख्याल कर लें। दोस्तों बातें हम ख़त्म करते हैं, अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा पर जाकर ये देखें hasan_nakvi.512 पे हमारा इंस्टा है, हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ओनली 300 में। हम आप लोगों को प्योर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा, ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं यूट्यूब पे जो आपको हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे। हम लिस्टें भी शेयर करेंगे, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, अपने चैनल पे भी कोशिश करेंगे, वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। इसीलिए आप बस अभी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप स्किप ना कर सकें, और ना प्लीज़ इन दिनों में मेरे ना 10K सब्सक्राइबर पूरे कर दें। अगर आपको प्रूफ चाहिए आप YouTube चैनल पर जाएं, किसी भी मेडिकल कॉलेज को सर्च कर लें, अगर आपके भाई की वीडियोस ना आए तो फिर देख लेना। मैं इधर सर्च करता हूँ AMDC को, देखें AMDC मेरिट लिस्ट, ये देख लें, तो सिर्फ मेरी ही वीडियोस इसमें आएंगी मेरिट लिस्ट पे, ये देख लें। ये मैंने अक्सर से की मेरिट लिस्टें जो पिछले साल अपलोड की थी वो हैं, ये देखें मेरिट नीचे आ गया, 3rd लिस्ट पर मैंने बात की है, ये मैंने 1st लिस्ट पर बात की है, ये 1st लिस्ट AMDC रावलपिंडी की बात की है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं ये बहुत ज़्यादा एक 10th लिस्ट BDS, तो हर कॉलेज की हर लिस्ट में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट करता हूँ, तो ये चीज़ें भाई आप लोग नोट कर लें। इसलिए हमारे चैनल को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आखिर तक आप लोगों के हम एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन करवाने के बाद जिनके एडमिशन हो जाएंगे हम एक अलग से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। जिनके एडमिशन हो जाएंगे उनको मैं बिल्कुल फ्री बुक्स शेयर करूँगा, PDFs, और गाइड करूंगा कैसे कैसे पढ़ना है, मॉड्यूलर सिस्टम क्या है, हर चीज़ हम गाइड करते हैं भाई। तो बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। दोस्तों देखें, मैट्रिक की अगर हम बात करें तो 110 मार्क्स का अगर डिफरेंस हो तो 1% का डिफरेंस आता है। अगर आपके मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल 900 मैट्रिक में और एक स्टूडेंट के हैं 1010, तो ओनली 1% का डिफरेंस है, तो भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, मतलब मैट्रिक इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर ली। 110 मार्क्स पे 1% का डिफरेंस है। इसके बाद इंटरमीडिएट FSC की बात करते हैं तो 27 मार्क्स पे 1% का डिफरेंस है। अगर 27 मार्क्स का डिफरेंस आपके और किसी और के नंबरों में तो भाई 1% का डिफरेंस आ जाता है। और MD कैट के लिए भी देख लें, 4 मार्क्स पे 1% का डिफरेंस है, मतलब अगर आपके 150 मार्क्स हैं तो आपके एग्रीगेट मतलब 50 में से 40 बन रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 154 लेते हैं तो आपका 41 बन जाएगा, अगर आप 158 लेते हैं तो 42 बन जाएगा, तो 4 मार्क्स की बेस पे 1% का डिफरेंस आता है। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है MD कैट, इसके बाद FSC, देन मैट्रिकुलेशन। अगर हम मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो 10% मैट्रिक को इंक्लूड किया जाता है,
FSA को 40% इंक्लूड किया जाता है और MDCAT को 50% इंक्लूड किया जाता है। अब आप लोग अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैट्रिक की बात करें 10% है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 10। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 750 मार्क्स हैं, 800 मार्क्स हैं या 1040 मार्क्स हैं आपके मैट्रिक में, आप 1040 लिखेंगे, नीचे टोटल कितने 1100 इनटू 10 कर देंगे, जवाब आ जाएगा 9.4% फॉर एग्जाम्पल, ये आपने अलग कर लेना है। इसी तरह अगर हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे, इंटरमीडिएट में ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 40, क्योंकि 40% इंक्लूड है मैट्रिक सॉरी इंटरमीडिएट, तो 1000 अगर आपके मार्क्स हैं ऑब्टेन, 1000 डिवाइडेड बाय 1100 इनटू 40, ये बनता है 36.3635। तो आपने मतलब इशारे के बाद 4.4 डिजिट्स काउंट करने हैं। इसके बाद अगर हम MDCAT की परसेंटेज की बात करें, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 50 करना है, क्योंकि 50% आप लोग देख रहे हैं MDCAT इंक्लूडेड है। अगर आपके 170 मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय 200 इनटू 50, परसेंटेज बनती है आपकी 42.5। ठीक है, अब आपने इन सब को कर लेना है कैलकुलेट। जब कैलकुलेट करेंगे यानी समेशन करेंगे प्लस करेंगे, ये आप लोग देखें टोटल एग्रीगेट आपका बन जाएगा मैट्रिक प्लस FSC प्लस MDCAT। मैट्रिक कितनी थी 9.4, ये आ गई। FSC 36.3636, ये आ गई। MDCAT कितना था 42.5, ये आ गया। जब आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट ये बन के आ जाएगा, जो कि तकरीबन 88.26 है। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, जो मतलब हमने अज्यूम किया है 1040 हैं, ये भी 1000 है, फिर ये 170 है, फिर जाके इसके मार्क्स कितने बन रहे हैं 88 बन रहे हैं। भाई मेरिट तो 90 से नीचे तो आने वाला नहीं है, तो आप लोग खुद देख लें। अब जिन स्टूडेंट्स के ना ये मैट्रिक ये तो सही है, FSC में जिनके मार्क्स हैं ना 1070 1080 1090, अगर उनके 170 मार्क्स हैं MDCAT में से, तो फिर वो 90 क्रॉस कर जाते आराम से। तो इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 90 से 91 के दरमियान रहेगा और अपर 91 में रहेगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं अपर 91 में होगा, लोअर 91 में नहीं होगा। 91 का मतलब ये है कि 91 के आसपास होगा, यानी कि 90.7 90.8 इस तरह करके, ये भाई मेरिट है 88.26 अगर, तो इस तरह है। अब दोस्तों देखें, आप लोग अपना इस तरह एग्रीगेट बना लेंगे भाई, आपका मेरिट वो 90 प्लस तो वैसे होना चाहिए, अगर आपका मेरिट 91 प्लस है फिर भाई आप लोगों के हाईली चांसेस हैं 85-95% आप सेव हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इसी तरह अपना मेरिट कैलकुलेट करें और नीचे कमेंट में हमें बता दें कि उनका जो एग्रीगेट है वो कितना बन रहा है, समझ आ रही है। अगर हम मिनिमम बात करें तो इस दफ़ा स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने कम नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मेरिट अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप लोगों को 75 से ज़्यादा एग्रीगेट रखना चाहिए। ठीक है, ये हम ओवरव्यू की एक बात कर रहा हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि पिछले साल कितने मेरिट्स थे, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या थे, इस साल मेरिट कितना रहेगा, कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट सेव हैं, कितने सेव नहीं हैं, ये हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और काइंडली इन्हीं दिनों में एक ही मंथ में मेरे 10K सब्सक्राइबर पूरे करवा दें, आप लोग कर सकते हैं। बस इससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलते हैं, ना मुझे पैसे मिलते हैं, ना मुझे आपके लाइक करने से पैसे मिलने हैं, ना आपके सब्सक्राइबर से, बस ये है कि इससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि बंदा किसी को बताता है तो अच्छा लगता है, बंदे को खुद अच्छा लगता है कि यार मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग पूछते हैं सब्सक्राइबर कितने हैं, तो बस जस्ट ये है मोटिवेशन के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।